हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो राकेश है वो नलिनी को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाएगा। तभी वो रिकॉल करेगा कि कैसे उसने नलिनी और प्रशा को आपस में बात करते देखा था, और तभी उसने ट्रक ड्राइवर को हायर किया ताकि वो नलिनी को जान से मार सके, और तभी उसने वो एक्सीडेंट करवाया। तभी वो नलिनी से कहेगा कि लेकिन ये सब कुछ हुआ क्या। प्रशा यहाँ पर उसे कहती नजर आती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि नलिनी मर चुकी है, दरअसल हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसीलिए हमने ये प्लान रचा। तभी वो कहती है लेकिन मैं श्योर हूँ कि देव को भी तुमने ही मारा है। यहाँ पर राकेश कहता है कि तुम पागल हो, ये क्या बोल रही हो, क्या मैं अपने ही बेटे को मारूंगा। तभी वो कहती है कि हाँ, फिंगरप्रिंट्स जो देव की गर्दन पर मिले थे उसे देखकर कि यही लगता है कि तुमने या फिर नलिनी ने ही देव का खून किया है। तभी वो बटन दिखाती है और कहती है कि ये देखो, ये सबूत है तुम्हारे गुनाह का जो कि देव के हाथों में था, और नलिनी ने जो जैकेट पहनी थी उस दिन, ये कोट का बटन उसी का है। नलिनी या प्रशा से कहती है कि हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें सच, दरअसल राकेश ने ही देव को मारा है। राकेश ये सुनकर कहता है कि तुम चुप रहो। तभी नलिनी कहती है कि हाँ राकेश, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। यहाँ पर नलिनी प्रशा को सब बताती है कि 2 महीने पहले देव ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था और इन दोनों की पिक्चर भी खींच ली थी। देव ने यहाँ उससे रिक्वेस्ट की कि वो पिक्चर किसी को ना दिखाए, लेकिन यहाँ पर देव अपनी ही अकड़ में था और उसने कहा कि मैं ये सारी पिक्चर्स जाकर के माँ को दिखाऊंगा। राकेश उससे कहता है कि नहीं, तुम ये पिक्चर्स देवती को नहीं दिखा सकते, और इसलिए अपना मुंह बंद रखने के लिए देव ने अपने ही बाप से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, और ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। और साथ ही साथ उसने राकेश को ये भी धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो ये सारी तस्वीरें मीडिया में लीक कर देगा। ये सुनकर कि राकेश शॉक हो जाता है और उसे पैसे दे देता है। नलिनी यहाँ पर प्रशा से कहती है कि देव कंटिन्यूसली राकेश को ब्लैकमेल कर रहा था। प्रशा कहती है लेकिन तुम फिर भी अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हो। नलिनी कहती है कि देव ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, उसने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया था इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, फिर उसने मेरा हाथ मोड़ा तो राकेश ने उसे थप्पड़ मारा, उसे डांटा भी। देव ने कहा उसके बाद कि मैं सबको सच बताऊँगा। नलिनी प्रशा से कहती है कि राकेश ने उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब राकेश देव को हॉस्पिटल मिलने गया तब भी उसने कहा कि अभी इलेक्शन आ रही हैं, उसके जितना भी हार्डवर्क है वो सब वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम चुप रहो। लेकिन देव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद राकेश ने इतना तक कह दिया था कि वो प्रॉमिस करता है कि वो मुझसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देव ने अपना डिसीजन चेंज नहीं करा। तभी वो कहने लगा कि वो सबको बताएगा, और आज रेवती को स्कूल में जाकर के वो बता देगा कि आप दोनों का मेन मोटिव क्या है। राकेश तभी उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा। देव राकेश को चैलेंज करते हुए कहता आता है नज़र कि सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। उसके बाद नलिनी बताती है कि राकेश ने देखा कि देव हॉस्पिटल से भाग रहा है और राकेश ने उसे फॉलो किया। राकेश को वहां पर देव मिला जब वो गिर चुका था बिल्डिंग से। देव ने उससे बचाने के लिए भी कहा और कहा कि मैं किसी को भी सच नहीं बताऊंगा। तभी राकेश ने उससे कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी को सच बताने लायक ही नहीं रहोगे, और राकेश ने खुद अपने ही बेटे का गला दबा करके उसकी जान ले ली। प्रशा कहती है कि अब मैंने तुम्हारी ये सारी जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया है, कन्फेशन, और अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सबूत हैं जिससे तुम्हें जेल होगी। तभी राकेश गन पॉइंट कर देता है प्रशा की तरफ और कहता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना नलिनी को ना तुम्हें। तभी कहता है राकेश कि ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी है, रेवती मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, वो ये बातों पर यकीन नहीं करेगी। तभी वो कहता है कि लाओ वो रिकॉर्डिंग मुझे दो, लेकिन प्रशा मना कर देती है। तभी रेवती राकेश की तरफ गन पॉइंट करती है और उससे गन छीन लेती है। रेवती यहाँ पर कहती है कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ देव चौधरी के मर्डर के इल्ज़ाम में मिस्टर राकेश। और यहाँ पर रेवती को अपने सामने देखकर राकेश काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।